आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। और खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश पर सीबीआई के शिकंजे से भड़का विपक्ष, राम गोपाल बोले मोदी को छोड़ना पड़ेगा काशी, गुलाम नबी और मायावती ने सपा का साथ देने का दिया भरोसा। हमीरपुर पहुंचे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता रैली का किया शुभारंभ, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कन्नौज में जमीन के विवाद में भिड़े दो पक्ष, कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में दबंगों ने किसान का जीना किया दुश्वार, खेत पर काम करते समय मारपीट कर भगाया, किसानों को मिल रही जान से मारने की धमकियां। खराब मौसम का सफर पर विपरीत असर, कोहरे की धुंध ने रेल व हवाई सफर पर लगाया ब्रेक, दिल्ली से जाने वाली उड़ानें हुई लेट। और अब रुख करते हैं खबरों की ओर। फरुखाबाद में कुंभ मेले के मद्देनजर 200 कारखाने बंद करा दिए गए हैं। कारखाने बंद होने की वजह से मजदूरों के परिवारों में रोजी रोटी का संकट आ गया है, जिसके विरोध में छपाई करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों ने साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है और मांगे नहीं माने जाने पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। इस दौरान सर्वोदय मंडल के नेता एडवोकेट लक्ष्मण सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो गंगा को मानते हैं वही गंगा को सबसे ज्यादा गंदा करते हैं। धोना पत्तल जूठन और ये केवल दिखावा है, गांव गरीब गंगा ज्ञापन देना पड़े क्योंकि हम इंटर बोर्ड ने पूरे कारखाने बंद करा दिए हैं। इन बंद कराने के लिए यहां पर जो है जितने छपाई कर्मी भूख की कगार पर पहुंच गए हैं। रोजी रोटी हम लोग भूखे मर रहे हैं एक हफ्ते से और काम धंधा मिल नहीं रहा है कहीं, और हम लोग सरकार काम नहीं करने दे रही है, थोड़ा बहुत काम करते हैं, इधर उधर फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई हैं, हम लोग काम चाहिए, या सरकार काम दे या जो भी इसका जिनने बंद कराए कारखाने वो काम दे, हमें कारखाने बंद होने में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितने कारखाने बंद हुए, कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे? अरे कम से कम 10,000 ज्यादा आदमी, 50,000 आदमी। कानपुर प्रेस क्लब में मिडास मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और कंपनी के चेयरमैन उपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि कंपनी की पहली वर्षगांठ पर 9 जनवरी को लाजपत भवन में नॉर्थ इंडिया ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा डांस, गायन व अभिनय प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोपो स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में जज के तौर पर मिसेज यूनिवर्स रश्मि सचदेवा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। कानपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई है। यह कार्यक्रम मिडास मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का एनिवर्सरी प्लस विवियन एंटरटेनमेंट का मॉडलिंग और फैशन शो के तहत है और बहुत ही अलग तरीके से सिस्टम को हम लोग लेकर के आए हैं और साथ ही जो हम इस सिस्टम में लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, एक रुपए जो हमारा विशेष आकर्षण है कि हम एक रुपए में हिंदुस्तान की जनता को क्या देने जा रहे हैं। एक रुपए जो ले रहे हैं उस एक रुपए के तहत उसको सामान भी दे रहे हैं, कोड नंबर भी दे रहे हैं, रिन्यूअल फ्री कर रहे हैं, बिजनेस करने का अवसर भी दे रहे हैं, आजीवन ब्रांडेड सामान पर 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, आंशिक अपंगता पर कवर दे रहे हैं। समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय अभियान लावारिस लाशों को कंधा दान के तीसरे दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान लावारिस लाशों व उनके बिछड़े परिजनों के लिए सबसे पहले दुआ की गई, इसके बाद लोगों को शपथ दिलाई गई कि इस तरह के अभियान वो जैसे भी हो उसमें अपना सहयोग जरूर दें। पोस्टमार्टम हाउस में आई एक लावारिस लाश को संस्था के सदस्यों ने कंधा दिया और सभी ने उस पर फूल बरसाए, जिसके बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार भी किया गया। बौद्ध जी ने लावारिस लाशों के लिए जो कार्य सालों से करते ही आ रहे हैं, आज इस प्रोग्राम में हम लोगों को बुला के उन्होंने जो हमारे लिए उत्साह
इंसानियत के लिए जो कार्य करने के लिए काम हम लोगों को बुलाया, इसके लिए मैं धनीराम बौद्ध को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। इस कार्य के लिए आज धनीराम बौद्ध जी ने मुझे बुलाया था। लावारिस लाशों का दाह संस्कार का काम पिछले 6-7 वर्षों से धनीराम जी ने प्रारंभ किया एक समिति के माध्यम से। इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है कि हमारे समाज में अपने लोग मरने के बाद उनकी लावारिस लाशें हों। उसके दाह संस्कार करने का काम पिछले वर्षों में करके धनीराम जी ने 6,600 से ऊपर लाशों का दाह संस्कार उनके धर्मों के अनुकूल किया है। फरुखाबाद में प्रशासन ने प्रयागराज में कुंभ को देखते हुए गंगा के किनारे सभी गंदे नालों और कारखानों का पानी बंद कराना शुरू कर दिया है। संतों का कहना है कि रामनगरिया उद्घाटन से पहले नाले बंद नहीं हुए तो वो अनशन करेंगे, जिसकी सूचना मिलते ही डीएम ने आदेश जारी कर नगरपालिका द्वारा टोका घाट पर नाले को बंद करा दिया था। नाले के पानी का कोई ठोस इंतजाम नहीं होने से किसानों की फसलें डूबने लगी। किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए नाले का पानी दोबारा से गंगा में खोल दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने इसे फिर से बंद करा दिया, जिससे परेशान किसानों ने अपनी फसलों की बर्बादी की शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे यहाँ पे कुछ नाले हैं जो गंगा जी में गिर रहे थे, इसमें से जो मुख्य रूप से नाला था टोका घाट का नाला, जिसमें जो है ज़्यादा उत्प्रवाह होता था, तो उस टोका घाट नाले को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो अभी जो उस नाले का पानी गंगा जी में नहीं गिरता। इसके अलावा जो धीमरपुर का नाला है या हाथी नाला है और जो अन्य नाले हैं, तो उसमें संस्था के द्वारा बायो रेमेडिएशन का कार्य किया जा रहा है। बायो रेमेडिएशन के माध्यम से जो है वो स्वच्छ पानी फिर जो गंगा जी में जाएगा और जो बाकी भी छोटे छोटे नाले हैं तो उन्हें रोक। कानपुर के बिजनू थाना के कोरिया चौकी अंतर्गत तुलसियापुर गांव में लुटेरों ने मकान से लाखों का माल पार कर दिया। जानकारी के अनुसार रामबाबू के घर में परचून की दुकान है और वो डीजे का भी कार्य करता है। दो दिन पूर्व उसके बड़े भाई रविकांत ने अपनी पत्नी रंजीता की हत्या कर दी थी। इस कारण वो भी अपने घर से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फरार चल रहा था, जिसके चलते घर में कोई भी नहीं था। रात को लुटेरों ने उसके घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात के साथ ही डीजे की कई बड़ी मशीन पार कर दी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दो दिनों से बदली और तेज हवाओं के चलते कानपुर व आसपास के इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। सीजन में पहली बार तेज धूप भी खिली। आपको बता दें कि जबकि वहीं रविवार को कहीं कहीं हल्की बूंदें पड़ी। मौसम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में तेज बारिश हुई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं अच्छी बारिश हुई है। तापमान के उतार चढ़ाव को देखते हुए अगले कुछ दिन मध्यम से घना कोहरा पड़ सकता है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 2 दिन तक के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। सात फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उधेड़बुन है और जिसके लिए जरूरी है कि परीक्षार्थी सभी विषयों पर टाइम टेबल बनाकर ही अध्ययन करें। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री व इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा समय दें और इसके अलावा बाकी विषयों पर भी बराबर का समय दें। 6 घंटे की भरपूर नींद लेने के साथ ही बच्चों को सादा खाना ही दें। दरअसल इस बार परीक्षा का पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव हुआ है, जिसे लेकर बच्चों में काफी कुछ दिक्कतें हैं और जिसके लिए जरूरी है कि परीक्षार्थी अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करें और टाइम टेबल निर्धारित कर सभी विषयों पर ध्यान दें। वहीं इस मामले में शिक्षकों का कहना है कि इस बार एक पेपर सिस्टम कर देने से काफी राहत मिलेगी, जिसका फायदा ये होगा कि एक महीने में सारी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए, अभी जो परिवर्तन हुआ है सत्र में, पहले 1 जुलाई से 30 जून का सत्र चलता था, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च का सत्र हो गया है। तो उसके कारण इस समय विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं जो है लगा करके उनका कोर्स पूरा किया जा रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का ट्रेंड है वो लोग अभी यही समझते हैं कि जुलाई में एडमिशन होगा फिर परीक्षाएं होंगी। लेकिन अब
ऑल इंडिया पर एक समान शिक्षा की बात को लागू करने के लिए है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का सेशन है और इसके चलते विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा की गई है और प्रयास ये किया जा रहा है कि गार्जियंस और विद्यार्थी इस बात को समझें। एक्चुअली इंग्लिश में 2 पेपर होते थे। पहले फर्स्ट पेपर में सारा जो टेक्स्ट का पोर्शन होता था वो होता था और सेकंड पेपर में ग्रामर, ट्रांसलेशन और सारी अप्लाइड ग्रामर होते थे। अब नई व्यवस्था में ग्रामर के कुछ पोर्शन को कम किया है, कुछ जैसे लेटर भी आता था, एप्लीकेशन भी आती थी, तो एप्लीकेशन को इन्होंने हटाया है, फर्स्ट ईयर में कर लिया है और लेटर को सेकंड ईयर में कर लिया है। और कुछ पोर्शन जैसे पूरा आता था इंटरमीडिएट में, तो सिलेबस का जो डिवीज़न है तो उन्होंने इस तरह से किया कि बच्चे पढ़ेंगे सारी चीज़ें लेकिन उसको 50% फर्स्ट ईयर में कर लिया है और 50% उसका सेकेंड ईयर में हो गया है। सारी चीज़ें जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, जो 3-4 किताबें हम लोगों की चलती हैं, प्रोज का है, स्टोरी है, ड्रामा है, तो 3-3, 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, तो अब उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता था तो उसके बजाय उन्होंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए, तो इससे एक तो पेपर स्कोरिंग हो जाएगा और दूसरी चीज़ जो वोकैबुलरी होती है, जो बच्चों को केवल याद करना होता है, इस जिसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, ये इस पे मार्किंग जो है ज़्यादा कर दी। झांसी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल समुदाय और जाति के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, मौजूदा सरकार के समय में अवैध खनन जमकर हो रहा है, रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी कार्यवाही नहीं होती है, CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री उमा भारती को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो वो सामने से आकर चुनाव लड़े और गठबंधन का सामना करें, यूं मैदान छोड़कर न भागे। कार्यकर्ताओं और नेताओं को कार्रवाई करो, लेकिन आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम, कई मुकदमे कायम हुए, को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। 5 साल पहले लोगों को गुमराह किया, लोगों के बहुत से लोगों की समझ में आ गया, लेकिन हम किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन यार इसका आपको ये लग रहा है कि रिस्क नहीं, हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं उठाना चाहते। हम लोगों ने तय किया है कि इस बार मौजूदा सरकार को जाना ही होगा, इसलिए इस सरकार को वापस भेजने के लिए हम लोगों ने। फरुखाबाद में गौशाला पर जबरन कब्जा करते हुए अन्नगायों को प्रवेश करने के बाद जिला प्रशासन ने न कोई कार्यवाही की है और जिससे आक्रोशित गौशाला कमेटी ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की है और चौक बाजार पर जाम लगाकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स से प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हो गई और जिसके बाद तहसीलदार ने 3 दिन के अंदर सभी अन्नगायों को निकालने का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले क्षेत्र के कुछ दबंगों ने फसलों का नुकसान होने से आक्रोशित होकर दर्जनों गायों को जबरन गौशाला में बंद कर दिया था, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। गांव की जो गाय दूध नहीं दे रही थी उन 100-125 गांव को जबरदस्ती बंद कर दिया। हमारे पास ऑलरेडी 107 पशु थे, वहां पर 100 पशुओं के रखने की जगह है, उसमें 200-250 पशु जबरदस्ती घुसेड़ दिए गए हैं और गाय मरी जा रही है, प्रशासन सुन नहीं रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूर्व में लखनऊ में आयोजित रैली में लिए गए निर्णय के बाद से शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है, जहां बांदा में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों व कर्मचारियों ने सरकार को बुद्धि देने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और यज्ञ के जरिए सरकार की बुद्धि खुलने की प्रार्थना की, जिसके बाद पुरानी पेंशन बहाल का आदेश पारित हो सके। और इस मौके पर शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं आता है तो हम सभी एकजुट होकर जिला मुख्यालय में जेल भरो आंदोलन करेंगे।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। मैं संतोष शर्मा, नगर आयुक्त कानपुर, समस्त महानगरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आप सभी अवगत हैं कि हमारा शहर कानपुर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में प्रतिभाग कर रहा है। मैं सभी महानगरवासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर को सम्मानजनक स्थान दिलाएँ, नंबर एक की पोजिशन पर पहुँचाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर का गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करें, आप कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें और जो कूड़ा लेने के लिए वाहन आ रहा है वहीं पे उसी को कूड़ा दें। कहीं भी खुले में शौच ना करें और न ही किसी को करने दें, खुले में यूरिनल भी ना जाएं और न किसी को जाने दें। आपका शहर ODF प्लस प्लस घोषित होने की दिशा में है। तो सभी शहरवासियों से अपील है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को सम्मानजनक स्थान दिलाएं। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ GMD न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं GMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फरुखाबाद तहसील कायमगंज क्षेत्र में पिछले 6 महीने से कई नवजात के शवों के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। जिले भर में बिना गाइडलाइन के अस्पतालों को लाइसेंस प्रसाद की तरह बांटे जा रहे हैं और बाल समिति अध्यक्ष संजीव गंगवार ने बताया है कि इस तरह से नालों में बच्चों के शव मिलना बहुत बड़ी बात है। पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अवैध अस्पताल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
कानपुर के हरबंस मुहाल थाना क्षेत्र के लोकमन मुहाल में एक 30 वर्षीय युवक ने पड़ोस में रहने वाली 7 वर्षीय मासूम से छेड़खानी कर दी और इस बात की जानकारी परिजनों को होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शराब के नशे में था और जिसके चलते उसने एक घिनौनी हरकत कर दी, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। व्यक्ति की बिटिया के साथ लोकमन मोहाल क्षेत्र का रहने वाला है, जो उसके साथ छेड़खानी की घटना हुई है और लड़की के चिल्लाने पर उस अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और आइडेंटिफाई करा लिया गया है और मुकदमा लिख करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय खत्री महासभा व उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के बैनर तले कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि समाज सेवा का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कई समाज सेवियों को आज पूरा देश जानता है। उन्होंने लोगों को बताया कि अमरोहा के राधा कृष्ण टंडन ने घनश्याम दास टंडन सरस्वती विद्या मंदिर स्थापित किया। इस स्कूल में 250 गांवों के लगभग 160 बच्चे पढ़ते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष विहिप के राष्ट्रीय नेतृत्व में खास स्थान रखने वाले रामनाथ महेंद्र और समाज सेवी राधा कृष्ण टंडन के परिजनों ने सम्मान ग्रहण किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्र जैन, अखिल भारतीय खत्री महासभा के अध्यक्ष धनराज खत्री, राष्ट्रीय सचिव मुकुल टंडन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत चंद्र सेठ आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय खत्री महासभा एवं यूपी सराफा एसोसिएशन द्वारा समाज के हमारे अग्रणी जिन्होंने बहुत सहयोग और योगदान दिया है खत्री समाज को उत्थान में और यूपी सराफा के व्यवसाय यूपी में सराफे व्यवसाय को बढ़ाने में, श्री रामनाथ जी महेंद्रा और श्री राधा कृष्ण टंडन जी का जाति रत्न सम्मान हम लोग उन्हें दे रहे हैं खत्री समाज की तरफ से। उस कार्यक्रम को आज हम लोगों ने आयोजन किया है और उसमें साध्वी निरंजन ज्योति जी और हमारे खत्री भाई सतीश महाना जी उपस्थित। विराट कोहली वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है। सिडनी में खेले गए सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच को बारिश के कारण ड्रॉ घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 के अंतर से कब्जा भी कर लिया है। भारत की 70 साल में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली टेस्ट सीरीज जीत है और इससे पहले कोई भी भारतीय कप्तान टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीत का स्वाद नहीं चखा सका था, मगर भारत ने एडिलेड में पहला टेस्ट मैच 31 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में दूसरे टेस्ट मैच में 146 रन से जीत कर वापसी की, लेकिन भारत ने मेलबर्न में तीसरा मैच 147 रन से जीता और श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई, जो कि आखिर में निर्णायक साबित हुई। चेतेश्वर पुजारा को उनके शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया। 3 शतक के साथ उन्होंने सीरीज में 521 रन बनाए। कानपुर में स्वर्णकार समाज एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन और सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शिरकत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि सीबीआई छापों से घबराए अखिलेश के बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार के रहते गायत्री प्रजापति पर आरोप लगा है। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करती है और कहीं गलत होता है तो उसे उजागर करती है। अखिलेश जनता के बीच भयभीत है क्योंकि जनता उन्हें नकार चुकी है। बुंदेलखंड की नदियों में जिस तरह से अवैध काम हुआ है उस पर बहुत पहले से जांच चल रही थी। गठबंधन अभी हुआ है और जांच 2017 से चल रही है। वहीं राम मंदिर पर कहा कि मोदी जी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला आए उसके बाद निर्णय। मैं बहुत एक सामाजिक कार्यक्रम में आई हूं और मैं उस विषय पर थोड़ा बात करूं, लेकिन इसके पहले मैं
सरल समाज को बधाई देना चाहती हूँ कि पहली बार यहाँ महिला इकाई का गठन हुआ है। शायद महिलाओं की आधी 50% भागीदारी है, तो हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे 16वीं लोकसभा में 62 महिलाएं जीत करके पहुंची है, ये भी एक गर्व का विषय है। लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं, मुझे लग रहा है 50% होना चाहिए। आज मैं स्वर्ण समाज को बधाई देना चाहती हूँ। पूछिए। कन्नौज जिले की 181 महिला हेल्पलाइन में काम करने वाली एक महिला ने एक मिसाल पेश की है। दरअसल देवांश प्रिया सेठी, जो कि पेशे से 181 महिला हेल्पलाइन में सुगमकर्ता पद पर कार्यरत हैं, लेकिन हफ्ते में रविवार को मिलने वाली छुट्टी में वो गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। उन्होंने नेकी का निवाला नाम से एक संस्था बनाई है, जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं और उन्हें साफ सफाई के प्रति जागरूक करती हैं। खाना खिलाने के साथ ही बच्चों को गर्म कपड़े भी बांटती हैं और वो ये काम पिछले 4 महीनों से कर रही हैं। इस सब खर्च वो अपनी सैलरी से ही उठाती हैं और उनकी टीम में एक महिला सिपाही के साथ 2 और लोग भी हैं, जो सब काम आपस में बांटकर करते हैं। ये कुछ दिनों से जहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव है, हमारे द्वारा 4 महीने से हमारी टीम नेकी का निवाला, जो हर रविवार को यहाँ पे आती है, बच्चों को शिक्षा से संबंधित चीज़ों को उपलब्ध कराती है, पढ़ाई साथ में उनको पढ़ाना है, उनको जरूरत के लिए दैनिक की जरूरत के जितने भी सामान है, हाथ धोने के लिए साबुन देना, ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट देना, कॉपी किताब देना, लगातार हम लोग ये। शुक्लागंज में प्रमुख सचिव राजन शुक्ला ने प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। आपको बता दें कि सीएचसी और नमामि गंगे का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था देखकर कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई है। वहीं सीएचसी का अधूरा कार्य पड़ा देखकर आवास विकास सहायक अभियंता को जमकर डांट लगाई और जिसके बाद प्रमुख सचिव गंगाघाट कोतवाली पहुंचे और जहां पर भोजनालय, मालखाना, इंस्पेक्टर आवास मुंशियाने में दस्तावेज भी खंगाले। जीडी मांगने पर इंस्पेक्टर हरप्रसाद अहिरवार हड़बड़ा गए। उन्होंने एक मुकदमे की फाइल दे दी, जिसको इंस्पेक्टर को हिदायत भी दी और जिसके बाद बालूघाट स्थित नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन शमशान घाट का निरीक्षण किया। वहां नवंबर माह में कार्य पूरा करना था, लेकिन कार्य अधूरा देखकर प्रोजेक्ट तनवीर अहमद को फटकार लगाई। करीब 65 लाख रुपये 64 लाख रुपये कार्रवाई से सब अपने स्तर से लेना है और उसको काम पूरा पूर्ण करना है। लेकिन जहाँ तक भौतिक कार्य है, उसमें काफ़ी हद तक हो चुका है और दूसरी चुनौती उसमें लग रही है, जो क्योंकि यहाँ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती है, क्योंकि अभी वहाँ केवल एक चिकित्सक काम करते बताए गए। अभी CMO साहब से कहा गया है कि वहाँ एक अनेक चिकित्सक और एक अनेक चिकित्सक की व्यवस्था है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GMT News और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।